कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये छोटे मोटे सहयोगी पार्टी हैं, अपना ये क्रियाकलाप अविलंब बंद करें। इसी पेंडेमिक में हमें जीना सीखना होगा, और आप लोग जी खा रहे हैं, देख ही रहे हैं आप सब लोग। और कुल मिलाकर के ध्यान तो भाई सरकार भी रखती है, लेकिन ध्यान ऊपर वाले का भी होता है। मैं मजदूरी पढ़ाता हूँ, मैं लेबर का प्रोफेसर हूँ पटना यूनिवर्सिटी में। मैंने एक बड़ा प्लान दिया है और खुद मैं चिंता करूँगा उसकी। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप निश्चित नेशन देख रहे हैं। चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को आग दिखा रहे हैं, तो मांझी चिराग पासवान से उलझे पड़े हैं। इन दोनों चीज़ों के बीच में लगातार एनडीए को लेकर के एक इस तरह का माहौल बन रहा है कि बिहार एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट नहीं है। हालांकि जदयू और बीजेपी इन बातों को कहती रही है कि सब कुछ वक्त रहते ठीक हो जाएगा। ऐसे में बिहार बीजेपी के नेता और पार्टी के एमएलसी संजय पासवान की तरफ से जो है एक बड़ा बयान जारी किया गया। उन्होंने साफ कह दिया है कि छोटे मोटे दल वाले जो लोग हैं वो अपनी मर्यादा में रहें, और जो क्रियाकलाप कर रहे हैं यानी कि जिस तरीके की माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से, उन चीज़ों को जो है तत्काल बंद कर दें। यह हमला था चिराग पासवान की लोजपा को लेकर के, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को लेकर के। क्या कुछ कहा है संजय पासवान ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को लेकर के, किस तरीके की नसीहत दी है, आप इस बयान में खुद सुन लीजिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो ये छोटे मोटे सहयोगी पार्टी हैं, अपना ये क्रियाकलाप अविलंब बंद करें। भाजपा जदयू का पुराना संबंध है, शाश्वत संबंध है, ये रहने वाला है। और मांझी जी या लोजपा कुछ बोल रहे हैं तो चिंता की बात है, और उसका हमारे नेता उसको गंभीरता से लेंगे। आज से कल तक में तय हो जाना चाहिए। नहीं, देखिए इलेक्शन कमीशन ने पूरा सर्वे करवाया है और पूरा तहकीकात और इलेक्शन का प्रोटोकॉल उन्होंने निकाला है, हम लोग को बुकलेट दिया उन्होंने है कैसे क्या करना है। लेकिन बावजूद इसके बिहार के लोगों में इतना उत्साह है, और देखिए चुनाव इलेक्शंस का डेमोक्रेसी का एक पर्व होता है, हम सब उत्साह में पर्व में हम लोग हैं। अब रातें 12 बजे लौट के आए हैं, 11 बजे फर्क, मतलब यह है कि उत्साह होता है। और जहाँ तक केयर करने की बात है, अब तो हमको इसी में जीना सीखना होगा, इसी पेंडेमिक में हमें जीना सीखना होगा। और आप लोग जी खा रहे हैं, देख ही रहे हैं आप सब लोग। और कुल मिलाकर के ध्यान तो भाई सरकार भी रखती है, लेकिन ध्यान ऊपर वाले का भी होता है। लेकिन ध्यान रहे, छोटी मोटी पार्टियां जो हमारी है उनका जो उनको से बयानबाजी हो रहा है, ये अच्छा नहीं है गठबंधन के लिए, और इसके लिए हम सब गंभीर हैं। उनको कुल मिला के संयम बरते, सब लोग संयम बरते, और गंभीर आदमी है संजय मर्द। मैं मजदूरी पढ़ाता हूँ, मैं लेबर का प्रोफेसर हूँ पटना यूनिवर्सिटी में। मैंने एक बड़ा प्लान दिया है और खुद मैं चिंता करूँगा उसकी। सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं, शौक से जाते हैं। नहीं, शौक से जाते भी हैं, हम लोग जाते हैं, लेकिन उसके समस्याओं के लिए जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी समस्याओं का विशेष ख्याल हम लोग करने वाले हैं। उसका बल्कि सर्वे शुरू कर दिया हम लोगों ने, उसका कैसे पुनर्वास होगा हम लोग देख